मैं कैंसर कंट्रोल मिशन एनजीओ की तरफ से मैं और मेरी पूरी ये टीम आई हुई है और आज हम लोगों ने यहाँ पर एक स्वच्छता अभियान चालू किया था बीच क्लीनिंग का। और हम लोग सुबह 6:30 बजे इधर आ गए थे और आने के बाद लगभग 500 मीटर तक हम लोगों ने ये पूरा बीच जो है क्लीन किया हुआ है पूरा मिल करके। और हम लोग इसी तरह से सोच रहे हैं आगे भी काम करते रहेंगे और इन लोग से सहयोग लेते रहेंगे। ये बीएमसी से जुड़ा हुआ आपका कुछ? जी हाँ, बीएमसी वालों ने ही हमको ये परमिशन दिया था ये स्वच्छता अभियान करने के लिए। क्या मकसद लेकर मतलब आए हैं आप? मकसद लेकर के ये है कि देखो, हम लोगों की एक आदत होती है, हम लोग कहीं भी जाते हैं ना, कुछ भी अगर खाते पीते हैं तो उसके रैपर या जो भी होता है उधर ही डाल देते हैं। ये एक गंदी आदत है, तो उनको सिखाना है कि हम लोग जो ये सब कर रहे हैं ना तो क्यों कर रहे हैं। हमको अगर हमारे घर वाले भी आते हैं कभी कभी कुछ भी खाए उधर ही डाल दे, तो ऐसी आदत अगर सब के अंदर से धीरे धीरे करके छूट जाएगी ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि इससे क्या लोग सीखते हैं कि हम आकर के यहाँ पर कचरा करते हैं, दूसरे लोग आकर के एनजीओ वाले आकर के उसको सफाई करके फिर कचरे की गाड़ी में डाल करके भेज देते हैं, तो वो सब नहीं होना चाहिए। एक्चुअली ये एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और हम लोग इंडिया लेवल पे कैंसर के पेशेंटों के लिए काम कर रहे हैं और लगभग 300 से ज़्यादा कैंसर के बच्चों को हेल्प भी कर चुके हैं और कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारा मेन मकसद यही है कि इंडिया से कैंसर जो है धीरे धीरे करके, एकदम से तो नहीं ख़त्म हो सकता, बट धीरे धीरे करके कम होता चला जाए, ज़्यादा बढ़िया है। लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, जिस तरीके से समुद्र किनारे लोग घूमने आते हैं तो उसको मतलब एंजॉय करते हैं लेकिन गंदगी भी उतनी ही? हाँ, तो लोगों को यही संदेश देना है कि जिस हिसाब से हम लोग अपने घरों में रहते हैं, अपने घर को अपने लॉन को जिस तरह से साफ सुथरा रखते हैं ना, उसी तरह से अगर बीच को भी स्वच्छ और सुंदर रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और ज़्यादातर मतलब लोग इसको एंजॉय कर सकेंगे। गवर्नमेंट भी अलग अलग स्कीम्स निकालती है या आयोजन करते हैं, उसके बावजूद जो है लोगों को मुंबई कर्ज को अगर हम खास करें तो वो इस सारी चीज़ों को ध्यान नहीं देते हैं। जी हाँ, बराबर है। क्या होता है कि वो हर 10 में से 3 लोग ऐसे होते हैं जो उनको पसंद होता है कि चलो जिधर खाए उधर ही कुछ डाल दिए, लेकिन ये आदतें धीरे धीरे करके छूटनी चाहिए। क्योंकि सफाई का क्या रहता है ना कि हमारे अंदर से स्टार्ट हो, ये चीज़ हम लोग घर में करते बट बाहर क्यों नहीं करते वो नहीं पता। नमस्ते, मैं सुप्रिया पांडे, मैं CSR मैनेजर हूँ कैंसर कंट्रोल मिशन NGO में। मेरा ये कहना है कि हम जिस सराउंडिंग में रहते हैं हमारा कुछ महत्व होता है और हमारा कुछ अधिकार होता है कि हम उसके लिए कुछ काम करें। हम जो हमें प्रकृति दे रही है उसके बदले हम उसको कुछ अच्छा प्रोवाइड करें, हम उसके बदले उनको कुछ अच्छा दें। तो ये प्रकृति हमें शुद्ध हवा शुद्ध जल दे रही है, बट कुछ कारणों की वजह से बहुत सारी गंदगियाँ फैल रही है, पॉल्यूशन ज़्यादा हो रहा है। तो इसके लिए हमको ये करना चाहिए कि हमें भी प्रकृति को साफ रखना चाहिए, स्वच्छ रखना चाहिए, ताकि वो हमें उसके बदले में बार बार वही स्वच्छ हवा और स्वच्छ ताज़ा जल प्रदान कर पाए। आपको क्यों लगता है कि स्वच्छता ज़्यादा ज़रूरी है? क्योंकि अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो पेड़ पौधे होते हैं उन्हें कहीं ना कहीं नुकसान भी किया जा रहा है, मेट्रो सिटीज़ में ज़्यादा हो रहा है। देखिए क्या होता है कि डेवलपमेंट भी ज़रूरी है। अगर आप डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, वहाँ से पेड़ उखाड़ रहे, तो उसके बदले 10 पेड़ आप उस जगह लगाइए जहाँ पे डेवलपमेंट करना ज़रूरी नहीं है, जहाँ पे हम प्रकृति को ग्रीन रख सकते हैं, जहाँ पे उनका ख्याल हम अच्छे से रख पाए। अभी क्या होता है कि मेट्रो अगर बन रहा है और वहाँ से पेड़ उखाड़े जा रहे हैं, तो उसके रोड साइड एरिया में या फिर थोड़ा सा पीछे जा कर के जो गांव साइड एरिया है उसमें ज़्यादा पेड़ लगाए, और या फिर हम रास्ते में ही ज़्यादा पेड़ लगाए और उसको थोड़ा सा डेवलपमेंट में आ कर के काम करेंगे तो ग्रीनरी भी रहेगी और मेट्रो का भी काम चलेगा और मेट्रो भी सुचारू रूप से चलेगा। क्योंकि यातायात भी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, हमें प्रकृति को स्वच्छ भी रखना बहुत ज़रूरी है।